दीदी माँ है तो मेरा माँ को वो क्यों जस्टिस नहीं दे रहा है? संदेश काली का माँ क्यों दे रहा है? मैं ममता दीदी को बोलना चाहता हूँ कि शाहजहां हमारे लिए बड़ा नहीं है, हमारे लिए हमारा माँ बड़ा है, हमारे लिए हमारा बेटी बड़ा है। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए, आज आप लोग देखिए, ममता दीदी ने धमका दिया। किसको धमकाया? रामकृष्ण मिशन को। किसको धमकाया? भारत सेवा श्रम को। ये लोग महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, पर हर दिन टीवी में आते हो और साधु और महात्मा को धमकाते हो। लेकिन मैंने जीवन में सुना नहीं, कभी सच बोलना के धमकाते हो, फिर से शाहजहां को धमकाते हो, लेकिन हमारे साधु को धमकाते हो, अब हमारे महात्माओं को धमकाते हो। ममता दीदी, आप नहीं जानते हैं ये रामकृष्ण मिशन ने कितना हॉस्पिटल खुले हैं, कितना स्कूल खुले हैं। हमारे असम में, असम के आगे जाके भारत और चाइना बॉर्डर में कहा में स्कूल भी नहीं बनाया है सरकार ने, हॉस्पिटल भी सरकार ने नहीं बनाया। वहां जाके रामकृष्ण मिशन का साधु संत हॉस्पिटल बनाता है, लोगों को चिकित्सा देते हैं, स्कूल देते हैं। शाहजहां क्या करते हैं? शाहजहां क्या हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, सब कुछ करते हैं, अब रामकृष्ण मिशन को धमकाते हैं। ममता जी, 70 साल आपका हो गया है, 70 साल हो गया है, जो भी करिए, एक दिन हम लोग ये पृथ्वी में बिना कपड़ों में आए थे और बिना कपड़ा में हम लोग को जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप साधु संत और महात्माओं को अपमान करेगा, ये दुनिया से जाने का बाद भगवान भी हमारा पास कोई सुनेगा नहीं, भगवान भी हमको न्याय करेगा। ये हमारा हमारा दिमाग में होना चाहिए। हम पृथ्वी में हो, हम पाप कर सकता हो, लेकिन हम महापाप नहीं कर सकता है। कम से कम ये बात हमारा दिमाग में रहना चाहिए। भाई और बहनों, आज क्या हो रहा है? ममता दीदी लक्ष्मी भंडार बीजेपी आने से बंद कर देगा। जानते हो लक्ष्मी भंडार किसने शुरुआत किया? जानते हो, वो 500 रुपया देते थे। वो समय मैं आसाम में 1250 रुपया माता जी के अकाउंट में देता हूँ और पूरा पूरा भारत का लक्ष्मी भंडार असम में पहले शुरू हुआ। असम बंगाल से छोटे प्रदेश है, अगर बंगाल 100 है, असम 20 है, लेकिन असम लक्ष्मी भंडार में 1250 रुपया देते हैं और आज अभी जाके 1000 रुपया देते हैं। हमारा वादा है, अगर हम मध्य प्रदेश में 1250 रुपया दे सकता हूँ, छत्तीसगढ़ में 1250 रुपया दे सकता हूँ, असम में 1250 रुपया दे सकता हूँ, पीछे की सरकार बनाइए, हम 3000 रुपया का अन्नपूर्णा भंडार देगा। ये हमारा वादा है, हम 3000 रुपया का अन्न भंडार देगा। हमारे माँ लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अभिषेक जी के लिए बोलना चाहता हूँ, सब में हम लोग क्या करता हूँ, लक्ष्मी भंडार 1250 रुपया भी देता हूँ और हमारा जो भी बेटी सेकेंडरी पास करते हैं उनको पहले जाने के लिए हम लोग स्कूटी देता हूँ। हमारे जो भी बेटी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पढ़ता है, एडमिशन भी फ्री है, किताब भी फ्री है, हॉस्टल का मेस ड्यूज भी फ्री है और साथ में हम उनके 25,000 रुपया का खर्चा भी देता हूँ। पिता माता से हम कुछ खर्चा हमें नहीं देता हूँ। हम लोग क्या करता हूँ, सब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, हम हिसाब करता हूँ कि उनको आने जाने के लिए महीना 1,000 रुपया का जरूरत होगा। 2,000 रुपया करके आना महीना
हम इनके 80,000 रुपया उनका बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करता हूँ। मंत्री जी, उन्हें मैं बोलता हूँ, लक्ष्मी भंडार तो हम बंद नहीं करेगा, लेकिन 3,000 रुपया का अन्नपूर्णा भंडार भी करेगा, और साथ में हम माँ लोगों के सारे सुविधा भी दूंगा। हमारे यहाँ में मंत्री जी बोलते हैं, मैं बहुत कुछ किया हूँ, माताओं को बोलना चाहता हूँ, में सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ग्रुप को भी तो पैसा देता ही हो, ग्रुप के अलावा ग्रुप का सदस्य को हर माताओं के हम बैंक अकाउंट में कुछ 10-5 हजार रुपया देने का काम करता हूँ। बस के दादा, हर ग्रुप का मेंबर्स को हम देता हूँ। बंगाल बड़े प्रदेश है, अगर आसाम इतना कर रहा है, बंगाल उससे अभी कर सकता है। भाई और बहनों, 3 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना, उसी समय हमारे ममता दीदी भी मुख्यमंत्री बने। मैं मुख्यमंत्री बनने का बाद मोदी जी ने मुझको बोला कि 1 लाख नौकरी देना है। मैं पहले सोचा था कि आसाम जैसा छोटा प्रदेश में मैं 1 लाख नौकरी कैसे दूंगा, लेकिन मोदी जी का आदेश हुआ, मैंने 1 साल में ही 1 लाख चुना चुनौतियों को नौकरी देने का काम किया। वैसा गुवाहाटी का स्टेडियम में मैंने 1 लाख युवाओं को बुलवाया। पिता माता का साथ, एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, गरीब माता गरीब पिता का बेटा बेटियों का हाथ में हमने अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया। लेकिन बंगाल में क्या होते हैं, 23,000 शिक्षक का नौकरी होते हैं, 8 सेटर जी का घर में भी नहीं, 8 सेटर जी का गर्लफ्रेंड का घर में 30-30 रुपया बरामद होते हैं, नोटों का बंडल निकालते हैं। तो नोट क्या है, लोगों का पसीना, लोगों का जमीन बिक्री करके किसी ने नौकरी के लिए और पैसा दिया था, अभी नौकरी भी किया, पैसा भी किया। आप लोग देखिए, बंगाल में दीदी सरकार सलाहकार है और टीवी का सामने अपना मंत्री का गर्लफ्रेंड होते, उतना मंत्री का गर्लफ्रेंड होते हैं, 70 साल में गर्लफ्रेंड होता है, पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं, पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं, 70 साल में टीएमसी का मंत्री का गर्लफ्रेंड होते हैं, और जब थाने में जाते हैं लाभ सिंबल दिखाते हैं। आप देखिए, जेल में भी टेबलेट मिला होगा उनको, ये तो कैसे ऐसा कर सकते हैं? आप देखिए, एक सरकार है, एक मंत्री जेल जाते हैं शिक्षक का पैसा खाने के लिए, एक मंत्री जेल जाता है गाय का तस्करी के लिए, और ममता भी बोलते हैं सीबीआई ईडी क्यों, अगर सीबीआई नहीं होते वो 30 करोड़ रुपया 8 सेटर्जी का गर्लफ्रेंड लेके चला जाता था, सीबीआई है बोल के, और रुपया आज गरीबों का पास चला आया है, गरीबों का आवास योजना बन रहा है। भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, हमें डरवा सकते हो, औरंगजेब ने भी डरवाया था, बाबर ने भी डरवाया था, लेकिन आज मैं दीदी को बोलना चाहता हूँ, हिंदू समाज अच्छा जितना है, और हिंदू को डरवाना काम अब बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है, ये मेरे से आप सुन लीजिए। भाई और बहनों, अभी जिंदा तो जीतेंगे ही, लेकिन साथ में 2026 में हमें बंगाल में बीजेपी का सरकार बनाना है, डबल इंजन का सरकार बनाना है, डबल इंजन सरकार बनाने का भी संकल्प हमें लेना है। भाई और बहनों, हमारे ये बंगाल में आप लोग जानते हैं, बार बार तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं मोदी ने वस्तु का दाम बढ़वाया, आप लोग जानते हैं आसाम में पेट्रोल का लीटर 96 रुपया है, और बंगाल में पेट्रोल का लीटर 104 रुपया है, 107 रुपया है, ये 7 रुपया ज्यादा कौन लेते हैं, मोदी लेते हैं कि ममता बनर्जी लेते हैं, मोदी लेते हैं कि ममता बनर्जी लेते हैं,
अगर मोदी का स्टेट में पेट्रोल का दाम 96 रुपीज होते हैं, ममता बनर्जी का प्रदेश में 104 रुपया क्यों होते हैं? अगर आप 7 रुपया 1 लीटर पेट्रोल में, 3 रुपया 1 लीटर पेट्रोल में आप ज्यादा दाम लेगा, तब सामान का दाम क्या नहीं बढ़ेगा? सतत सामान का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक बार पेट्रोल का कीमत आप आसाम का सामान कर दो, एक बार डीजल का कीमत असम का सामान कर दो, हमारा सामान का दाम इतने कम हो जाएगा, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। भाई और बहनों, डायमंड हार्बर में सरकारी कर्मचारी है, ममता दीदी का पुलिस भी कभी कभी ज्यादा कर देते हैं, जितना करना चाहिए उनसे ज्यादा करते हैं। लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे वेस्ट बंगाल का सरकारी कर्मचारी को ममता बनर्जी खाली 15% दिए देते हैं, असम में 50% हमारा सरकारी कर्मचारी को दिए देता। असम छोटे प्रदेश है, पेट्रोल भी सस्ता है, डीजल भी सस्ता है, वॉल राइटिंग करने से सामान का दाम नहीं कमते हैं। सस्ता खत करना चाहिए, पेट्रोल का दाम कमाना चाहिए, डीजल का दाम कम करना चाहिए, ना के सामान का दाम कमती होते हैं। ममता दीदी, वॉल राइटिंग करने से सामान का दाम कम नहीं हो। भाई और बहनों, सरकारी कर्मचारी को दिए देना चाहिए, नहीं देते हो। हमारा बंगाल का सरकारी कर्मचारी ऐसा करप्शन नहीं करते हैं, उनको जीना मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, हमें नया बंगाल बनाना है, हमें स्वामी विवेकानंद का बंगाल बनाना है, गुरुदेव का बंगाल बनाना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना है, हमें शाहजहां का बंगाल हमें मंजूर नहीं है। हमें शाहजहां का बंगाल नहीं चाहिए, हमें गुरुदेव का बंगाल चाहिए, हमें स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल चाहिए, हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल चाहिए। हमारे लिए दुख का बात है, मैं सुना है, आज आप देखिए ममता दीदी रामकृष्ण मिशन को झुंकाता है, ममता दीदी आज हमारे भारत सेवा श्रम को धमकाता है, लेकिन कभी ममता दीदी कोई मुल्ला और इमाम को धमकाया? जीवन में कभी धमकाया कोई मुल्ला और इमाम को? मुल्ला और इमाम को आप धमका नहीं सकते हो, आप हमारे आत्मा को भी धमका सकते हो। आपने पाप नहीं, आपने महापाप किया है, भगवान आपका विचार करेगा, आप देख लीजिए। भाई और बहनों, मैं एक बात करके समाप्त करता हूँ। ममता जी को हमने राम मंदिर में बुलाया था, कहिए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में आप आइए। राहुल गांधी को भी बुलाया था, फारगेती को भी बुलाया था, उन्होंने नहीं आया। मेरे बात में सोचा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का दिन राम लाला का मंदिर नहीं था कि मेरा पापी लोग मेरा प्राण प्रतिष्ठा में आए। इसीलिए इसीलिए राम लाला ने उनका बुद्धि कर दिया कि तुम मेरा प्राण प्रतिष्ठा में मत आना, इसीलिए वो लोग नहीं किया। ये लोग बोलते हैं बीजेपी मंदिर क्यों बनाता है, मैं आपको छोटा बात बोल के जाना चाहता हूँ। हमारा भगवान हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारा भगवान हमें रोजगार भी देते हैं। काली धाम, पश्चिम काली मंदिर, कामाख्या मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, तिरुपति मंदिर, अयोध्या रामलला, मथुरा कृष्ण भूमि, ये सारा मंदिर मिल के लोगों को रोजगार देते हैं, उसका आधे भी वेस्ट बंगाल सरकार लोगों को रोजगार नहीं देती। हमारा भगवान महान है, हमारा भगवान कोरोना का प्रतीक है। आज का दिन में भी हमारा मंदिर से कोरोना लोगों को हिंसा उठाता है घर चलाने का, हमारा भगवान इतना दयालु है। ममता जी, आप पूछते हो मंदिर क्यों, कभी आप पूछते हो मस्जिद क्यों? वो तो आप नहीं पूछते हो, खाली पूछते हैं मंदिर क्यों। हम हिंदू है, हम मंदिर बनाया था, मंदिर बनाऊंगे और आज भी मंदिर बनाते रहोगे। आप सुन लीजिए,
अब हमें कुछ नहीं कर सकता है। भारत भारत आध्यात्मिकता का स्थान है, भारत में देखते भी था, भारत में देखते भी रहेगा, जब जब तक तब तक संघ सूर्य रहेगा, भारत में हिंदू रहेगा। ये क्या करते हैं दीदी, हम लोग तो रम नहीं पाली है, अरे नारायण और नारायणी के बीच में भी झगड़ा लगा देगा। अब सोचिए, कलु कौन है, नारायणी है, राम कौन है, नारायण है, ऐसे हिंदुओं के बीच में भगवान के बीच में भी झगड़ा लगा देगा। बंगाल का लोग काली मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं। मेरा माँ मेरा काली नारायणी है और राम मेरा नारायण है, नारायण राणा नारायणी मिलके ही परम ब्रह्म होते हैं, भगवान होते हैं। आप नारायण और नारायणी का बीच में झगड़ा लगाने का काम मत कीजिए। भाई और बहनों, अभिजीता को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, दिल से बहुत अच्छा इंसान है, निमन हर बार के लिए कुछ करना चाहते हैं, मोदी जी का प्यार उनका साथ है। एक बार ना गोविंदा को जिता दीजिए, डायमंड हरबार को और विकास का एक नया आयाम पर लेके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोग गोविंदा को जिताइए, हरना नहीं है, प्रधानमंत्री भी मोदी जी को बनना है और बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आने वाला है, वो निश्चित हो चुका है, हवा का रुख बदल चुका है, अभी हवा बीजेपी का है, हवा मोदी जी का है और सरकार भी मोदी जी का बनेगा, बंगाल में भी मोदी जी का सरकार बनेगा। मोदी जी ने आपको जिताइए, जिताना है ना, जिताना है कि नहीं, जिताना है कि नहीं, मेरे साथ बोलिए संकल्प के साथ, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, गोविंदा गोविंदा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हिमंत बिस्व शर्मा जी जी ना आउट, हिमंत बिस्व शर्मा जी जी ना आउट, असम के मुख्यमंत्री जी हिमंत बिस्व शर्मा जी जी ना